छत्तीसगढ़ के पहले चरण के 20 सीटों पर मतदान संपन्न। मतदाताओं में नजर आया जबरदस्त उत्साह। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। शाम 5 बजे तक 70% से अधिक हुआ मतदान। मिजोरम के सभी 40 सीटों पर मतदान संपन्न। शाम 5 बजे तक 76% से अधिक हुआ मतदान। मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में हैदराबाद पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री को एक भगवा रथ में बैठाकर बड़ी संख्या में मौजूद उनके प्रशंसकों के बीच घुमाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस के लंबे शासनकाल में सबसे बुरी स्थिति थी दलितों और आदिवासियों की। कहा, भाजपा सरकार में घोटाले हुए बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में जनसभा में बघेल सरकार पर साधा निशाना। कहा, जब जब कांग्रेस सरकार आती है देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के बढ़ जाते हैं हौसले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं है बीमारू राज्य। जहां कांग्रेस का शासन होगा वही राज्य होगा बीमारू राज्य। छत्तीसगढ़ के कांकेर और सुकमा में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। कांकेर में कुछ नक्सली हुए घायल, AK-47 हुई बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर दिखाई सख्ती। पंजाब सरकार को पराली जलाने पर प्रभावी रोक लगाने के दिए निर्देश। का आरोप प्रत्यारोप से बचे पंजाब सरकार। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली और NCR में प्रदूषण की स्थिति पर की समीक्षा बैठक। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के सदस्य भी हुए शामिल। दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ी। सजावट की सामग्री, दीपक और रंग बिरंगी विद्युत झालरों से दुकानें भरी आ रही है नजर। मथुरा में खादी महोत्सव का आयोजन। गांधी शिल्प बाजार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हस्तशिल्प, हथकरघा और खादी ग्राम उद्योग उत्पादों की हो रही है बिक्री। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लगातार आ रही अच्छी खबरें। मॉर्गन स्टेनली ने जताया भरोसा कि साल 2027 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी GDP। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक KV सुब्रमण्यम ने कहा कि देश में बेरोजगारी की दर 5 सालों में सबसे कम 3.2% के स्तर पर। भारत में रोजगार की स्थिति में हुआ है सुधार। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से 2019-21 के बीच भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी 25% से गिरकर 15% रह गई है। ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर वार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का आज सफल पूर्वक किया गया परीक्षण। और केंद्र सरकार ने ईज ऑफ लाइफ को बढ़ावा देने के लिए जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत की है। पेंशनधारियों के लिए वर्ष 2014 में बायोमेट्रिक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की दी गई थी सुविधा। देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की आज जयंती। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को वैज्ञानिक शोध और युवाओं में विज्ञान के प्रति लगाव पैदा करने के लिए किया जाता है याद। महिला तीरंदाज शीतल देवी ने पेश की जीवटता की मिसाल। दोनों हाथ से दिव्यांग होने के बावजूद शीतल ने पैरा एशियाई खेलों में जीते 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक। केरल के तिरुवनंतपुरम में केरलियम फूड फेस्टिवल का हुआ आयोजन। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना फूड फेस्टिवल। अमेरिका में चला वन्य जीवों को बचाने का अभियान। लॉस एंजल्स के चिड़ियाघर में जानवरों को अवैध तस्करी से बचाकर सुरक्षित रखा गया है।